नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा में डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जानते हैं लोगों का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। कौन सी क्लास में स्टडी करते हो? मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। कौन सी स्कूल में स्टडी कर रही हूँ? शास नामजी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? बाकी स्कूलों से तो मेरा यही मानना है कि सबसे ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट हमारे स्कूल का है। बिकॉज जैसे कि जो हमारे हमें जो मतलब सिखाया गया है वो हमें पूरा सेफ है हमारा एनवायरनमेंट। हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से मतलब स्टडी करवाई जाती है, ना ही कोई टेंशन होती है। हमें फुल कॉन्फिडेंट है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास से स्टडी कर रहे हो आप? मैं वैसे तो 5th क्लास से पढ़ रही हूँ, बट उससे पहले मैं इन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी, जो प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे मतलब दोनों बच्चे पढ़ते थे, गर्ल्स एंड बॉयज। बट वो स्कूल भी उससे भी बेस्ट, मतलब दोनों स्कूल बेस्ट ही बेस्ट हैं। जो गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है, सारे स्कूल बेस्ट हैं। एंड मेरा ये मानना है कि दिस वॉज अ बेस्ट स्कूल फॉर एवर। आपके स्कूल में पिताजी बोलते हो जिनको आप गुरु जी आते थे? हाँ जी, ज़रूर आते थे। वो हमसे ही मिलने आते थे कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो हमें शिक्षा देने आते थे, ना कि मतलब हमें सिर्फ मिलने आते थे। हमें सिखाने आते थे, हमसे खुल के बातचीत करते थे। हमें कभी भी नहीं लगा कि वो हमारे गुरुजी हैं, मतलब वो हमारे एक पापा की तरह, जैसे हम ट्रेन करते हैं वो हमें, वैसे ही हमारे वो पापा हैं। मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई और है। कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों के साथ? जैसे कि उन्होंने हमें शुरू से सिखाया है कि कभी किसी से डरो मत, कॉन्फिडेंटली बात करो। और हमें सेफ्टी सिखाई गई है, सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बोल देगा कि आप मतलब ऐसे वैसे ही हो, बट हमें जवाब देना आता है कि हम शास नामजी गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं, हम पूरा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ये बात। गुरु जी का नेचर कैसा लगता है? उनका नेचर तो सबसे डिफरेंट है, मतलब सबसे अच्छा नेचर है। उन्हीं से तो हमें प्रेरणा मिलती है। जो लोग कहते हैं भी नहीं उनका नेचर बेकार है, मेरा मानना ये है, सबका मानना ये है जो प्रेमी है हमारे यहाँ के, कि उनका नेचर सबसे बेस्ट है। उन्हीं की वजह से हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। जो उनके स्कूल कॉलेज के बारे में बहुत अलग दिखाया गया था, आपके स्कूल कॉलेज के बारे में टीवी में लगातार दिखाया गया था, क्या कहना है? वो सब कुछ झूठा है। हम सब जानते हैं, हम बचपन से यहीं पे बड़े हैं, पले हैं, हमने जन्म भी यहीं पे लिया है, और हमें पता है। वैसे तो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं भी छोटी सी बच्ची हूँ, बट फिर भी मुझे इतना पता है कि जो भी वो दिखा रहे हैं वो सब सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए दिखा रहे हैं, नॉट एवरीथिंग फॉर ऑल। और उनको ही प्रॉफिट होगा, बट जब उनको ये बात पता चलेगी कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, बट फिर भी हमें पता है कि वो सच्चे हैं, ना कि झूठे हैं। क्यों आप उनके ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो आज भी? हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे ही गुरु हैं, हमने उनसे पढ़ा है। जो हमने पढ़ा, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी उनसे पढ़े हैं, और वो अभी तक कितने बड़े डॉक्टर बने हैं। जो उन्होंने मतलब ये शास नामजी गर्ल्स स्कूल खोला है, बॉयज स्कूल खोला है, हॉस्पिटल खोला है, वो हमारे लिए खोला है। वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। उन्होंने ट्रीटमेंट्स भी कई बार फ्री कर देते हैं, वो अच्छी बात है। बट जो लोग ऐसे मानते हैं, आई डोंट नो कि वो सब सही है, क्योंकि वो उनकी नज़र से देखते हैं, बट हमारे नज़रिए से हम देखें तो हमारे गुरु जी हमारे लिए बेस्ट हैं। क्या काम किए हैं उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने एक नहीं दो नहीं हज़ारों काम किए हैं। उन्होंने यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करवाया है, उन्होंने सफाइयाँ कर मतलब सफाई अभियान करवाया है, यहाँ पे नहीं उन्होंने बहुत बाहर देशों में भी करवाया है, और वो हमारे लिए ही करवाया है। उन्होंने मतलब बहुत लोगों के इलाज करवाया है, सबके लिए बहुत लोगों के लिए घर बनवाए हैं, टेंट हाउसेस बनवाए हैं, और कहीं पर अगर तूफान आ गया वहाँ के सप्लाई सारा कुछ सेट करवाया है। तो ये सब तो मुझे लगता है कि बेस्ट है, मतलब सही है। जो लोग नहीं भी करते उनको मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट हमारे गुरुजी ने ये किया है, हमें पता है। क्या आपको लगता है आज गुरुजी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली गुरुजी किस लिए गए हमें पता है, वो मतलब दुनिया को कुछ राह दिखाने के लिए हमसे दूर गए हैं, बट अभी भी हम उनसे हमें पता है कि हम जो वो हमें सिखा कर गए हैं वो हम सब कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि वो हमें और सिखाएं, हम और कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो फटाफट से हमारे पास आ जाए।
क्या अपील करोगे आप सरकार से गुरु जी के लिए? मैं यही करना चाहती हूँ कि जो आप ये कह रहे हो कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ये उसका अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि वो सच है कि झूठ है, बट हमें पता है कि वो सच्चे, इसलिए मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सच्चे हैं। अभी उनको नहीं पता कि वो क्या है, बट हमें पता है कि वो सच्चे हैं। हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जैसा वो दिखा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सच के साथ चलिए, ना कि झूठ के साथ, और जल्द से जल्द उन्हें हमारे पास वापस भेज दीजिए। समाज से क्या अपील करोगे जिन लोगों ने आपके स्कूल कॉलेज को सिर्फ वीडियो के द्वारा, मीडिया के द्वारा देखा है? एक्चुअली जो उन्होंने देखा, मुझे नहीं पता वो कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, बट मैं आप बताना चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल है, हमारा जो गुरुजी हैं, वो ना कि गुरुजी हैं, वो हमारे पापा हैं, हमें उन्होंने हमारे पेरेंट्स की तरह ही संभाला है, बल्कि पेरेंट्स से ज़्यादा करा है। इसीलिए आप इन बातों में विश्वास ना करिए, क्योंकि ये सब एक मोह माया है, सब झूठ है, बट हम जानते हैं कि ये सब सच है। इसलिए आप भी इसी पे ध्यान, मतलब आप भी हमें ये स्कूल, मतलब इसी जगह को ऐसे मत समझे कि ये ऐसी वैसी जगह है या कुछ और है, ये बिल्कुल सही जगह है, कुछ नहीं ऐसा जो भी ये दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हम लगातार आपको लेकर चल रहे हैं उन फैक्ट्स के पास जो अपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे, हम डायरेक्ट उन बेटियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, जिनका कहना है कि हम बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उस संस्थानों के अंदर जो मीडिया ने बहुत अलग तरीके से दिखाया गया। फिर आखिर क्यों ये सब हुआ, ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिएगा, और फिर खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।